नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा गांधी आपका स्वागत करता हूँ ओवरव्यू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन को अध्ययन करेंगे और इसमें ट्रिक और टिप्स का भी यूज करेंगे जिससे हमें याद रहे। तो आने वाले एग्जाम जो यूपी आर ओ आर ओ है या पीसीएस का मेंस भी है, उसमें प्री में भी है तो पूछा जाता है, तो ये दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है और वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोग का तत्सम तद्भव का थर्ड पार्ट है। इससे पहले तत्सम तद्भव का दो लेक्चर हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिक और टिप्स बताए गए हैं जिसका आप लाभ लेंगे। तो आने तभी आप थर्ड पार्ट है जो इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेमोरी हिंदी में मेमोरी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कितना याद कर सकते हैं, हिंदी याद करेंगे, करंट अफेयर याद करेंगे, जीएस याद करेंगे, कुछ ट्रिक हैं उसका लाभ लेना चाहिए। 10 ही क्वेश्चन आएंगे तत्सम तद्भव से, तो इसमें आसानी से आप 10 के 10 कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ट्रिक और टिप्स को आप देख लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, और एक आप रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए जिससे चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए, बहुत छोटा है ठीक ना, जिससे मेहनत का लाभ मिले, बहुत मेहनत करना पड़ता है। विदाउट द बेनिफिट अगर कोई काम कर रहा है तो इस दुनिया में जीने का हकदार उसको नहीं है जिसको बेनिफिट काम कर रहा है और बेनिफिट ना मिले ठीक ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इसका बेनिफिट ना मिले तो फिर पढ़ना बेकार है ठीक ना। तो हमें हर काम का लाभ मिलना चाहिए, हर फल मिलना चाहिए ठीक ना, ऐसा नहीं है ठीक। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन ही है, इसमें आप लोग फोर्थ चैप्टर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा ठीक। सबके पास पूर्वावलोकन तो होगा ही ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या, तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म असंगत है? क्या पूछ रहा है? असंगत मतलब कि संगत नहीं है। संगत का मतलब क्या होगा कि दो, एक तरफ तत्सम हो और दूसरे तरफ तद्भव। यहाँ बोल रहा है कि तद्भव तत्सम होना चाहिए पहले, उसके बाद तद्भव होना चाहिए, तब हम बोलेंगे संगत। लेकिन असंगत होगा तो या तो दोनों तरफ तद्भव होगा या तो दोनों तरफ तत्सम होगा। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, बहुत से जो हमारे दोस्त हैं उनको नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन कहता क्या। तो क्वेश्चन में आपको यही समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन क्या बोलना है। तो संगत तब होगा जब तत्सम और तद्भव का ये युग्म दिखाई देगा ठीक। अगर ये युग्म नहीं दिखाई दे रहा, ये पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब कि वो असंगत है। तो चलिए देखते हैं ठीक। जब हम ये आपको ट्रिक में देखे हैं, ट्रिक में हम लोग देखे हैं क्या कि जब र आधा रहेगा, र आधा रहेगा, जैसे मान लीजिए क है, क में या तो र ऐसे रहेगा, या तो क है तो क के ऊपर ऐसे रहेगा, या तो री वाला ऐसे किसड़ वाला रहेगा। तो तीनों क्या होंगे, तीनों दिखाते हैं कि तत्सम शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये तत्सम शब्द है ठीक, और त्र जिस यहाँ पर ये तत्सम शब्द है, और संयुक्त वर्ण जहाँ जहाँ रहेगा वो शब्द जिस शब्द में संयुक्त वर्ण रहेगा वो क्या रहेगा, तत्सम। तो संयुक्त वर्ण यहाँ पर त है, त्र है, यहाँ पर भी त्र है, तो ये दोनों क्या तत्सम है, ये भी तत्सम है ठीक, यहाँ पर ही तत्सम है ठीक ना। तो आपको इतना मिल गया ठीक, इसमें आपको यहाँ पर साफ साफ इतना में दिखाई दे गया कि दोनों जो ए है इसमें दोनों में क्या तत्सम का यूज किया गया है, दोनों मतलब कि असंगत है ठीक। और ये भी ध्यान देना है कि सबसे पहले तो संस्कृत वर्ड खोजना है, तो इसमें संस्कृत शब्द देखेंगे तो पढ़ संस्कृत शब्द भी है ठीक। तो आपको दोनों देखिए, पहले तो संस्कृत वर्ड खोजिए, ट्रिक यही है कि फर्स्ट संस्कृत वर्ड खोजिए ठीक, संस्कृत वर्ड, फिर उसके बाद आप वर्ड का देखिए कि वर्ड का कौन सा ग्रुप है ठीक। जो पिछले हम क्लास में बहुत बढ़िया से डिटेल डिस्कशन किए हैं उसको नोट डाउन करके करते रहिए, इसमें करेंगे तो फिर ये ख़त्म ही नहीं होगा और इस पता चलेगा कि 4-5 घंटा तो खाली इसी में हो जाएगा ठीक। तो चलिए चलते हैं, ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पत्र और पढ़ दोनों तत्सम शब्द है जिसका तद्भव, पत्र का क्या होता है, पत्र का पत्ता होता है, चक्र का तत्सम इसका चाक होगा तद्भव, चक का चाक होगा तद्भव या चक्का होगा जो यहाँ पर लिखा है, चक्र का चक्का, छत तद्भव, छत का क्या, छत्र, छत्र जो है ये इसका तद्भव होगा, छत और या तो छाता होगा, और चैत का
तत्सम सब है इसका चयत होगा, जहाँ पत्र है वो त तो बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट। आर्दर्शिका का तद्भव क्या होगा? तो ये ऑलरेडी यहाँ पर का तत्सम है। इसमें तत्सम का दो ट्रिक यहाँ पर है, क्योंकि एक उड़नता आर है, र है, और ये बड़ा स, जब भी कहीं भी किसी शब्द में बड़ा स और धन्नी स, जिसको पेटफरवा स बोलते हैं, ये दोनों रहेंगे, वो वर्ड वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो हैं, दोनों ये दो ट्रिक को एक साथ लिए हुए, इसका मतलब 100% ये तत्सम है, और इसका बोल रहा है कि कौन सा तद्भव होगा। तो आदर्शिका का आदर्श तो होगा नहीं, आदर्श खुद एक क्या है? तत्सम है, खत्म। अदरक, अदरक अदरक जो है आर्द्र का होता है, अदरक आर्द्रक का होता है। ठीक, अदरक जो है, अदरक जो हम चाय में खाते हैं उसको आर्द्रक बोलते हैं, तत्सम उसका। आँच, इसको बोलते हैं ताप को, आर्ची को, आर्ची आँच होती है, तो यहाँ पर आर्ची, आदर्शिका का आर्सी। ठीक, आर्सी अर्दर्शिका का तद्भव आरसी है। ठीक ना, अर्दर्शिका का तद्भव शब्द आरसी है। ठीक, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अदरक, अदरक का तत्सम क्या होता है? आर्दक, आर्द्रक। आँच का तत्सम शब्द होता है आर्ची। ठीक, आँच का आर्ची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। अब यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है, तो हम बोले हैं कि जी पहले तो संस्कृत वर्ड खोजिए। संस्कृत वर्ड आम का आम, आम्र होता है, हाथ का हाथ तत्सम शब्द नहीं है, संस्कृत वर्ड नहीं है, दूध का दुग्ध होता है तत्सम, ये संस्कृत वर्ड नहीं है। और दूसरा कि आप संयुक्त शब्द, किस शब्द में संयुक्त वर्ड है, तो इसमें आपको देखेंगे, और किस वर्ड में, किस शब्द में आपका बड़ा स, ठीक, और पेटफरवा स है, ठीक, उधन स, तो डी, तो डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं याद है आप देखिए कर सकते हैं, ट्रिक का यही तो लाभ है, नहीं याद है तो वहाँ पर काम कर देगा, जब जहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर भी निकलेगा। कास्ट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है काठ। दूध का, दूध एक तद्भव शब्द है जिसका होता है दुग्ध। ठीक ना, यहाँ पर देखिए दुग्ध, यहाँ पर ये तत्सम, इसलिए आप कह सकते हैं आधा ग और यहाँ पर ध, ठीक ना, दोनों तत्सम शब्द। हाथ का हस्त होता है, हस्त, ठीक, हस्त। आम का, आम तद्भव शब्द है, आम का नहीं लिखा है, इसका होता है आम्र, ठीक, संस्कृत वर्ड। नेक्स्ट, तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म बताना है, शुद्ध युग्म, किसमें शुद्ध है, ठीक ना, कौन सा इसमें शुद्ध है ये बताना है। ठीक, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कौन सा संस्कृत वर्ड है, इसमें क्यों, कौन कौन सा शब्द संस्कृत है, तो इसमें संस्कृत पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं। अब ट्रिक का, ट्रिक यहाँ पर देखिए, ट्रिक पर यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखिए, जिसमें आपका स आया हो, यानी स स देखिए, इसमें स आया है बड़ा स वाला, ये आपका तत्सम है, इसका अवश्य ऐसा है, ओस, ओस होता है कि नहीं आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक, और नक्षत्र, नक्षत्र का नखत, पकवान, तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर देखिए पकवान में आधा क होना चाहिए, क्या, पकवान होना चाहिए, ठीक ना, पकवान, डी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक ना, तत्सम की, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से अगर देखें तो अवर श्याय और ओस शुद्ध है, और श्याय का ओस होता है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी अन्य अशुद्ध है। नक्षत्र देखिए, न यहाँ पर छत्री छ होना चाहिए, लेकिन छाता छ, नक्षत्र, जब छत्री छ हटता है तो वहाँ पर ख लिखा जाता है, नखत। पकवान में देखिए, यहाँ पर पकवान, तो यहाँ पर देखिए जब आपके, आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सिलेबस में है, शुद्धि, शब्द शुद्धिकरण, बर्तनी शुद्धि, ठीक ना, तो यहाँ पर पकवान में पूरा क नहीं होता है, आधा क होता है, ठीक ना। कोई भी शब्द में अगर दो अलग अलग वर्ड, कोई भी शब्द में दो अलग अलग वर्ड अगर आधा है तो वो 100% आपका तत्सम होगा। गृध देखिए, गृध का क्या होगा, गिद्ध, ये इसमें दोनों र क्या है, दो र, दोनों र अलग अलग हैं, दोनों र, दोनों में अलग अलग दो बार, 100% या तत्सम है। नेक्स्ट, बच्चा,
बच्चा का तत्सम रूप होगा। बच्चा किसको बोलते हैं? वत्स। अब माँ बाप देखते थे उसमें बोलते थे वत्स ऐसा नहीं करने का, तो क्या होगा? वत्स। अब व से शुरू होने वाला हमेशा तत्सम होता है, व से शुरू होने वाला तद्भव होता है। लेकिन कुछ अपवाद है जो पिछले आपको सेकंड पार्ट में या पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें अपवाद भी बताया गया है। ठीक, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे ताकि हमको याद रहे और लाभ ज़्यादा मिले। बच्चा शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम वत्स होगा। निम्नलिखित में से तद्भव बताना है। अग्नि का आग होता है। ठीक, पुष्प, पुष्प का है, यह भी संस्कृत वर्ड है। यहाँ पर बड़ा छ लगा है, ये भी तत्सम हो गया, ये भी तत्सम हो गया, ये भी तत्सम हो गया। चौदह, चौदह का हमेशा आप देखेंगे संस्कृत वर्ड में तो चौदह नहीं लिखा जाता है, इसको चतुर्दश लिखा जाता है। ठीक ना, चतुर्दश, ये तद्भव न, ये तद्भव है। ठीक ना, अब देखिए चौदह शब्द क्या तद्भव है, इसका संस्कृत क्या होगा? तत्सम, तो इसमें चतुर्दश लिखा जाना चाहिए। अग्नि, पुष्प, देखिए आपको संस्कृत नहीं भी मालूम है तो आप देखिए जब भी आधार आएगा कोई शब्द, ठीक है ना, अग्नि संस्कृत वर्ड भी है। यहाँ पर देखिए खटखन्ना ख है, ये भी आपका यहाँ पर देखिए बड़ा सा है, तो क्या सब तत्सम को बता रहे हैं, तत्सम शब्द है। इसके तद्भव क्रम, तद्भव का अग्नि का आग होगा, पुष्प का फूल होगा, शलाक का सलाई होगा, सलाई। और जब भी देखिएगा एक चीज़, स और स दोनों का रूपांतरण होता है तब तद्भव बनता है, तो वो छोटा स बन जाता है। ठीक ना, घोड़ा, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम पूछा है, तो घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोटक। ठीक, ठीक, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो घोड़ा का जो तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होगा घोटक। अवश्य वस, अश्व, अवश्य नहीं, अश्व, बाजी, तुरंग, है इत्यादि घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। सभी क्या है? पर्यायवाची है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप, घोड़ा क्या है? यहाँ पर घोड़ा क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम बताना है। ठीक, घोटक होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में। गोधूम, ठीक, गोधूम का तद्भव क्या होगा? तो ये तत्सम है, इसका तद्भव पूछा है तो गेहूं होगा। ठीक, अब यहाँ पर तद्भव पूछा है तो तद्भव, तद्भव वो शब्द होता है जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी रहे किसी भी शब्द के ऊपर, तो समझिए कि वो तद्भव को बता रहा था। यहाँ पर चंद्रबिंदी लगी है और किसी में नहीं है तो आप आराम से बांध सकते, लेकिन गोधम संस्कृत वर्ड है गेहूँ का। ठीक है ना, जैसे गोधम शब्द का तद्भव गेहूँ होता है, गोध का गोध होता है, गो का गो तद्भव शब्द है, गोध और गोध गो जिसका क्रमशः गोत्र, गोध का गोत्र। देखिए जब भी त तो हटता है तो देख रहे हैं त तो आ रहा है, फिर गोद का क्रोड़ होता है, गो का गोदा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए मस्त है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। ठीक ना, यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप टिक जानते हैं जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन किए हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब किसी भी शब्द में पंचम वर्ण आएंगे तो वो शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक, पंचम वर्ण और आधा, तो आधा कोई शब्द होता है जिस शब्द वर्ड वर्ड जिस वर्ड जिस शब्द में आधा वर्ण होगा वो तत्सम होगा। तो यहाँ पर सब में क्या आया है? पंचम वर्ड आया है, पंचम पंख, प पंख में क्या पंचम वर्ड है, पंख में पंचम वर्ड है, यहाँ पर भी पंचम वर्ड है, इसमें भी पंचम वर्ड है, लेकिन आधा शब्द, आधा शब्द इसमें है। ठीक, तो इसमें दो क्रिटेरिया को साफ लेके चल रहा है, तो जिस शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटेरिया होगी तत्सम बनने की वो तत्सम को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जीएच में भी पढ़ते हैं कि जो सपोर्ट ज़्यादा आंसर को करता है, उत्तर प्रश्न को करता है, उसी आंसर को हम टिक मारते हैं। ठीक ना, सिमिलरिटी जो होती है, तो यहाँ पर भी वही कहानी। ठीक, तो यहाँ पर पंक्ति इज करेक्ट ऑप्शन। पंख, पंद्रह, पंद्रह का, पंद्रह का, पंद्रह का आप संस्कृत वर्ड देखिए क्या होता है, दस चौदह का था ना, चतुर्दश, तो यहाँ पर पंचम दश। देखिए पंक्ति तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा? पंगत का होगा, पंगत साफ नहीं दिख रहा है, पंगत होता है। पच तथा पंद्रह का तत्सम, पच किसका होगा? यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो पच किसका होगा? तो पंख का पच होता है, जहाँ ख लगा है ये समझिए कि ये छत्री छ, ठीक है ना,
ठीक, पंक्ति का पंगत होता है। 15 का पंचम 10, पंचा 10। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द, तो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ जो भी शब्द ज से शुरू होता है वो क्या होता है? तद्भव होता है। य से, व से और थ से शुरू होने वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक, आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं, यहाँ पर य से शुरू होने वाला एक ही है। ठीक, तो ये क्या हो गया? तत्सम हो गया। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्रेशन। यौवन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जोबन होगा। योगी का, जमाई का, योगी और जमाई का, योगी का क्या होगा? तो योगी, जो देखिए य की जगह पर हम ज लिख देते हैं तद्भव में, ठीक है ना, तो योगी। ठीक, जमाई का जमाई का जमात्री। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। यहाँ पर तद्भव शब्द चुनना है, तो यहाँ पर देखिए ये चंद्रबिंदी लगी है, जिसमें चंद्रबिंदी होती है वो, जिस शब्द में चंद्रबिंदी लगेगी वो 100% तद्भव होगा। ठीक, और बाकी किसी के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो बाज तद्भव शब्द है इसका। देखिए कुछ शब्दों को आपको नोट कर लेना चाहिए, जैसे बाज का बांध्य, बंध्या होता है, वंध्या, ठीक ना, तत्सम। अगर न भी मालूम है तो वंध्या। देखिए इसमें व से शुरू होने वाला शब्द तत्सम होता है। इसमें दो बार, इसमें देखिए दो आधा आधा वर्ड आए हैं, आधा आधा वर्ड इसमें दो बार आए हैं, ठीक ना, शब्द बनने के लिए। एक न आधा है जो पंचम है, एक ध है, ठीक ना। तो दोनों, अगर दो एक से ज़्यादा इसमें अलग अलग वर्ड आते हैं किसी शब्द में तो वो तत्सम होता है, ठीक ना। ये देखिए, ठीक, तो आपको बंझा का बंध्या होता है। चमचा शब्द चम्मच से बना है, ठीक, जो विदेशी शब्द है, ठीक ना, ये विदेशी शब्द है। आसमान एक फारसी शब्द है, आसमा से बना है, ठीक। अगर ये भी आसमा का होगा तब तत्भव हो जाएगा, चंद्रबिंदी दिख रही है। यहाँ पर चौथा का पूछ रहा है कि कौन सा तत्सम है। चौथा जो चतुर्थ का होगा, चौथा प्रथम को प्रथम प्रथम द्वितीय तृतीय होता है ना संस्कृत वर्ड, तो चतुर्थ पाद। पाद मतलब क्या, जिसके चार पैर होते हैं। काष्ठ मतलब जिस जो लकड़ी को बोलते हैं, चतुर्थ का चरपाई, ठीक, चतुर्थ का लकड़ी का बना हुआ चतुष्क, ठीक। ये सब देखेंगे तो सब क्या है? तत्सम है, सब तत्सम है, लेकिन चौथा का बोला तो चौथा का चतुर्थ होगा, ठीक। डी इज करेक्ट, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ ये क्या संस्कृत शब्द है। पहला हम रूल यही बता रहे हैं कि जब भी आपको तत्सम तद्भव है तो आपको ये देखना है कि कौन सा संस्कृत वर्ड है। इसमें तीनों संस्कृत वर्ड है, लेकिन आपको हमको मीनिंग भी जानना है कि मीनिंग कौन सा सपोर्ट करेगा, कौन सा इसका अर्थ है, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पाद का इसमें चार पाद मतलब क्या होता है? पैर, ठीक है ना। चतुर्थ मतलब चार पैर, मतलब जिसका चार पैर कौन होता है? जानवर, ठीक। तो चौपाया, चौपाया, ठीक, जिसका क्या होगा? तद्भव। चतुष्पद का तद्भव आपका चौपाया। चतुष्काठ चौखट, ठीक, इस काठ में लकड़ी होती है। चतुर्थ मतलब चौखट कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, इसमें दरवाजा लगाया जाता है अलग से, ठीक। तो ये पूरा बोलते हैं चौखट। अब तो चौखटे नहीं है, पुराने घर में देखेंगे मिलेगा चौखट, ठीक। फिर उसके बाद चतुष्क क्या है? चतुष्क, चतुष्क का होता है चौका या चौक, ठीक। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है उसको नोट करने, जैसे चौका को चौक। अब देखिए यहाँ पर आपको मजा आ जाएगा। तद्भव शब्द बताना है, जो ब से शुरू होता है उसको बोलते हैं तद्भव, ठीक। जो व से शुरू होता है उसको बोलते हैं क्या? तत्सम। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर व से शुरू हो रहा है तो ये क्या? वानर, तो तत्सम है, ठीक। पहला तो छट गया। अंगना, अंगना, ठीक ना, और अंगी। अंगना का मतलब होता है सुंदर स्त्री, और इसमें क्या है? दोनों में आप देखेंगे
मैं आपको बोला हूँ कि पंचम वो वर्ड का पंचम शब्द नहीं होना चाहिए, वो पंचम वर्ड नहीं होती। इसमें भी पंचम है अंग है, इसमें भी पंचम है अंग है, तो दोनों का तत्सम हो गया, बानर भी तत्सम हो गया, ना मालूम है तो ये बच गया केवल, तो ये तद्भव है। ठीक, कोई दिक्कत आप खुद देख सकते हैं। अंग क्या, ये पंचम वर्ड आपको मालूम है, दे पिछले लेक्चर में देखिए हम, ठीक है ना, पंचम वर्ड क्या होता है, इसको एक्सप्रेशन देख लेते हैं, पूरा नीचे रहे तब वो देखें, उत्तर प्रश्न सही देखें। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए तद्भव का मतलब भी होता है कि भाषाओं से टूट फूट के बना हुआ, ठीक। तत्सम का मतलब होता है कि अपने मूल रूप में है, जैसा संस्कृत में, संस्कृत जो मूल थी उस वही रूप में आज तक चला आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जब टूट फूट के आया तभी तो ये तद्भव हो गया, तो अपभ्रंश भाषा शब्द का है, शब्द है अंगना। और यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द जिसका मतलब होता है सुंदर स्त्री, अंगी तत्सम शब्द जिसका अर्थ होता है शरीरधारी या शरीर युक्त, नहीं कहो तुम्हारा अंग टूट जाएगा, ऐसा मारेंगे कि अंग टूट जाएगा, तो अंगी वहीं से आया, ठीक। तो यहाँ पर सब में क्या पंचम वर्ड है, पंचम वर्ड आप देख लीजिए, पंचम वर्ड लास्ट में सभी वर्डों के, क वर्ड, ख, क, च, त, जितने भी वर्ड हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वानर को हम बोले थे, वानर का क्या होता है बंदर, तो जब व से शुरू हो रहा है तो वो समझे तत्सम है, व से शुरू हो रहा है तद्भव है, कुछ अपवाद हैं जिसका लिस्ट हम दे चुके हैं, बार बार उसी पर जाएंगे तो टाइम खत्म होता है और ख़त्म में होता रहेगा। निम्नलिखित में हस्ती क्या लिखा है, हस्ती, ह लिखा है, स लिखा है, ती लिखा है, अस्ति, ठीक। शब्द का तत्सम बताना है, रुपी निम्नलिखित में अस्ति किस शब्द का तत्सम है, तो हस्ति खुद एक तत्सम है। आ जब ये तद्भव बनेगा तो मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी ये वाला पार्ट का आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को ध्यान देना है, ठीक। और जब भी रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, थ बन जाता है, ठीक, और ये तद्भव में चला जाएगा, जब भी ये रहेगा तो आपको ये तत्सम बताएगा, तो आपको थ, तो किस में थ है, और ये मंत्रा भी रहेगा, ठीक, तो मंत्रा हाथी, कहाँ हो गया, हाथी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ ही साथ, तो हस्ती शब्द, हस्ती का तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी है, ठीक, हस्ती का तद्भव हाथी है, हाथ तथा हसी तद्भव शब्द है, हसी कैसे तद्भव शब्द, इस पर देखिए क्या बना है, चंद्रबिंदी बना है, ठीक, जिसके तत्सम हाथ का क्या होगा, किसका हाथ, हाथ लिखा है तो हाथ का की जगह पर क्या हो जाएगा, आधा स, अत, हस्त, और हास का क्या हो जाएगा, हास्य, हास्य, ठीक। ये दोनों तत्सम होंगे, हाथ का हस्त, हसी का हस, हास्य, ठीक। और यहाँ पर हार शब्द अनेकार्थी, हार का अर्थ होता है हार, मतलब हार क्या, हार मतलब गले में पहनने वाला भी होता है, पराजय होता है, माला भी होता है, हरण भी होता है, अतः शब्द यह सब तत्सम तद्भव दोनों के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो हार क्या है, तद्भव भी है, तत्सम भी है, ठीक, दोनों में स्वीकार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, शब्द कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले तो आप देखिए संस्कृत वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये देखिए संयुक्त वर्ड, तो इसमें देखिए तो संयुक्त वर्ड है, ये संयुक्त वर्ड है, इसमें संयुक्त वर्ड यूज किया गया है, फिर उसके बाद देखिए किसमें हाफ सादा शब्द वर्ड यूज, तो इसमें और संयुक्त वर्ड के बाद आप ये देखिए किसमें आधा शब्द का यूज किया, तो इसमें आधा शब्द का यूज किया गया है, तो तीनों क्या हो गए, तत्सम हो गए, अपने ट्रिक से समझ रहे हैं ना, ट्रिक से तत्सम शब्द हो गए, बचा ये कई, ठीक, तो ये आपका तद्भव हो गया। अब खुद सोचिए इसमें क्या याद करने के लिए था, कुछ था, यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमको आपको सबको मालूम है, लेकिन जब हमारे चैनल पर आए तो कुछ ऐसा मिले कि आसान हो जाए, हम टीचर के पास इसलिए जाते हैं कि हमारा आसान हो जाए, रास्ता क्या हो थोड़ा आसान कर दें, याद तो करना ही करना है, बिना याद मेमोरी का नहीं होगा, परीक्षा का काम ही है मेमोरी टेस्ट करना, आपकी कैपेसिटी टेस्ट करना, उसका आपका दिमाग का कैपेसिटी चेक, आपका पेशेंस चेक करना, सब इसी तो परीक्षा होती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपका ये भी एक दिमाग का ही खेल है कि आप किस तरह से किसी शब्दों को घुमा के पकड़ रहे हैं, ठीक।
बाकी तो बहुत से अपना पढ़े हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सीधे सीधे उत्तर बताते रहते हैं जो किताब में है। तो किताब चीज कुछ तो आकार आता है ना, कि आकलन करना, एनालिसिस करना, एनालिसिस से कुछ तो निकलना चाहिए, तो यही निकला है। कहीं ऐसे किताब में सब नहीं दिया है कि हाँ ये होता है, ये होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दाढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दंशटिक टीका। यहाँ पर देखिए दो आधा सर, दो आधा वर्ड है, यहाँ तो आर भी है और खटखोन खप, ठीक ना। तो ये दोनों है, ये तो 100% तत्सम। अगर अगर आ गया तो परीक्षा में तो आप इसको 100% तत्सम मानेंगे। नहीं याद याद दाढ़ी का याद हो भी होना चाहिए, दाढ़ी का क्या होगा, पूछ दे दाढ़ी का इसमें से कौन है। तो इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, याद करना इसलिए जरूरी है कि हम इस शब्द का क्या करेगा कि अब परीक्षा में देगा धन स ट्री का ऐसे होगा, लेकिन वो क्या कर देगा कि थोड़ा सा इसमें ऐसे दे देगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धिकरण तो उसमें हम समझेंगे क्यों इसके पीछे से ही ये जाएगा, आगे से नहीं जाएगा मन, ठीक ना। और वहाँ पर ये भी कर देगा द, और फिर पूरा स लिख देगा, फिर ऐसे कर देगा, ठीक ना। तो वर्तनी शुद्धि में भी ये लाभ करेगा, इसलिए हमको शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, उसको नोट कर लेना है जो कुछ अलग हो, ठीक ना। तो ये अलग है, नंग द्राक्ष दक्षिण सबका तत्सम शब्द है, जिनके नंग का नंगा होगा, द्राक्ष छा का होगा दाख, छाता छत्री का जब भी होता है तद्भव में जाता है, छत्री का जब भी तद्भव होगा तो ख हो जाता है, दक्षिण का दाहिना होगा, ठीक ना। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, पूरा आ जाएगा ना सब। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध, तत्सम की दृष्टि से बताना है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर सीधे आपको दिखाई दे रहा है कौन है, बड़ा सा लगा है, बाकी किसी में नहीं लगा, इसमें छोटा सा छोटा सा, ठीक। तो आपका ये इज करेक्ट ऑप्शन। सटिका तत्सम शब्द है, साटिका इसका तद्भव होता है साड़ी, साटिका का साड़ी होता है, क्या होता है साड़ी, साटिका का साड़ी। रस्सी का रज्जू होता है रज्जू, रैन का रजनी, रैन को रात्रि बोलते हैं रजनी, सरसों का सरसप, सरसों का सरसप, ठीक। तो ये आपको मालूम हो, सरसप सरसप, रजनी रज्जू, रस्सी का रज्जू, रैन का रजनी, सरसों का सरसप। अब दो बार पढ़ लेंगे आपके दिमाग में याद हो जाएगा। बारात का तत्सम बताइए, ठीक। यहाँ बारात लिखा है, ठीक, जहाँ जहाँ ब है वहाँ वहाँ काट दीजिए, वो क्या है ब है तद्भव है, ब है तद्भव है, ठीक। और यहाँ पर दोनों में वो है, ठीक। अब यहाँ पर बारात में क्या होती है, बर की या तो बर क्या करता है, दूल्हा क्या करता है, अब जाता है दुल्हन के घर पूरा लेके अपने कारवा, ठीक ना। तो उसी को अब यहाँ पर बताइए कौन सा अर्थ में निकल रहा है, बर यात्रा, ठीक। दिस इज ए करेक्ट, ठीक ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बरात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम वर यात्रा, अन विकल्प और संगत है। मोती, मोती कैसा है, मोती का तत्सम रूप बताना है, मोती, ठीक, मोती का बताना है। अब यहाँ पर तत्सम देखेंगे तो ये भी तत्सम है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो खत्म कहानी, ठीक। मोती, मोती का मोती थोड़ा नहीं होगा, ये संस्कृत वर्ड नहीं है, मुक्तक, ये मुक्त मुक्त की बात कर रहा है। तो मो कतिक भी इज करेक्ट, ठीक ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है। तो मोती का तद्भव मोती का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौतिक होता है, शेष विकल्प असंगत है, ठीक। इसका पेन पेपर लेके बैठना चाहिए, जो असंगत जो थोड़ा सा इधर उधर का हो, जो हमारे और बाद में भूल सकते हैं, उसको नोट डाउन, मैं उनको पट्टी बता दे रहा हूँ, उसको बता दे रहा हूँ कि ये भूलने वाला है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेंगे कहानी खत्म, ठीक। नेक्स्ट मिट्टी का तत्सम, मिट्टी का तत्सम क्या होगा, मृतिक, मृतिका, ठीक ना, मृतिका, मिट्टी, आदमी मर गया तो क्या होता है ना, मिट्टी हो गई, मिट्टी, तो वही क्या हो गया, मृतक हो गया, तो मृतक मृतिका, ठीक।
मृत्तिका तत्सब तद्भव तत्शब्द है, इसका तत्सब मृत्तिका होगा। ठीक, सिंपल है, कोई वो टफ नहीं है, लेकिन आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये दमदार है। में से तद्भव बताइए। तो यहाँ पर उल्लूक 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 क्या है, तत्सम है, उल्लूका बोलते हैं क्या, उल्लूका बोलते हैं, ओझा ओझा में लगा है ना, कौन सा, ये झरना जो है। ठीक, ओझा। अब कूप माने कुमा होता है, संस्कृत वर्ड है, पुस्तक पुस्तक, ठीक नहीं, ये भी संस्कृत वर्ड है। ठीक, तो ये आपको देखिए, एक दो तीन, तीनों आपको संस्कृत वर्ड है, तो बचा एक ओझा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका तद्भव। देखिए ज़्यादा इसमें तत्सम तद्भव में आपको ज़्यादा परेशान होने की नहीं, थोड़ा सा जो बताया हूँ पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आप देखेंगे ज़्यादा, तो उसमें सब डिस्कशन किया हूँ, और फिर भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि उसका लाभ क्या है, मैं उसमें बोला था थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो आप पेशेंस का लाभ यहाँ पर देखिए। ओझा शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम उपाध्याय होता है, ओझा उपाध्याय, ठीक ना, इसका बात यहाँ पर ये याद कैसे रहेगा। ठीक, तो ओझा सर है ना अपने, ठीक ना, यूट्यूब पर बहुत फेमस है, अवध ओझा, तो अब ओझा को अवध भी बोलते, उपाध्याय भी बोलते हैं। उपाध्याय कौन होते हैं, तो उनको बोलता है जो अध्ययन करते थे, यानी वेदों का अध्ययन करने वाले को उपाध्याय बोला जाता था। उल्लुक कूप पुस्तक क्या है, तत्सम शब्द है, सब संस्कृत वर्ड है इनके। उल्लुक का उल्लू होता है, कूप का कुआं होता है, देखिए चंद्र बिंदी फिर आ गए यहाँ पर, पुस्तक का पोथी होता है, ठीक ना, कि कोई वो नहीं था, बस आप संस्कृत वर्ड पकड़ लिए तो आपका कहानी हो गया। इसीलिए तो प्रिपरेशन क्यों, तैयारी किस चीज़ का करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना तैयारी कीजिए, तैयारी करते हैं, तो किस चीज़ का तैयारी, तो यही हो रहा है ना, तत्सम शब्द बताना है, इसमें से एक तत्सम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सब में स स से शुरू है, सब स स से, स स से, स स से, ठीक, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आप देखेंगे तो आपके सामने है, आधा र किसमें है, इसमें है, बस खत्म कहानी, दिस इज ए राइट, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर सारी सिर्फ आधा रहा है, कृष्णा वाला जैसे कृष्ण, ठीक ना, ये आधा है। देखिए सा सरी सिर्फ तत्सम शब्द है, सपूत शाकल साझ तद्भव, साझ को क्या बोलते हैं, संध्या, साध संध्या संस्कृत वर्ड है, ठीक ना, ये सब तद्भव है, साँझ साँझ नहीं बोलते हैं, साँझ हो गई है, सुबह हो गई है, तो साँझ बोलते हैं, साँझ संध्या को बोलते हैं, सपूत को सुपुत्र बोलते हैं, सुपुत्र पुत्र पुत्र होना चाहिए, पुत्र पुत में पुत्र होना चाहिए, पुत्र आ गया तो हो गया। शांकल, शांकल का श्रृंखला होता है, ये नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा टफ है, शांकल श्रृंखला, अगर सांकल्य का पूछ दिया सांकल्य का क्या होगा, तो श्रृंखला आपको याद होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर, बाकी तो साँझ का संध्या होता है, सपूत का सुपुत्र होता है। अब यहाँ पर फिर तत्सम बताना है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, तद्भव देखिए यहाँ पर आपका सबसे सिंपल, आप देखिए आधा स यूज किया गया, पेट फरुआ वाला, ये क्या बोलते हैं, फिर इसमें वो भी है संयुक्त वर्ड है, तो ये तो तत्सम होगा। ये देखिए यहाँ पर भी वही, दो दो गो आधा स, तीन तीन गो आधा स है, ठीक, तो जितना आधा स, जित आधा शब्द हो गया, आधा वर्ड हो गया, आधा स नहीं, तीन तीन गो आधा वर्ड है, ज आधा है, त आधा है, फिर स आधा है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, तत्सम हो गया। यहाँ पर फिर संयुक्त वर्ड परीक्षा, ये तीनों आपको दिखाई दे दिए तत्सम है, कुछ याद करने की जरूरत है इसमें नहीं, जब तत्सम दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा तद्भव बस एक ही बचा घर। ठीक, ज्योत्सना, ज्योत्सना हम संस्कृत वर्ड है, अस्तोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा, अस्तोमा ज्योतिर्गमय गायता है ना, अस्तोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योत्मा मितात्गमय, ठीक ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना का होता है जो न ज्योत्सना जो संस्कृत वर्ड है उसका जोन, जो न होगा क्या होगा, तद्भव जोन, सृष्टि का सेठ होता है, सृष्टि सेठ को बोला जाता है, परीक्षा का परख होता है, परख करना, ठीक, तो ये तीनों में सबसे टफ किसका है, तो जोन ज्योत्सना का, ज्योत्सना आपका क्या बोलते उसको, वर्तनी शुद्धि में आ सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए आप लिख लीजिए, ज्योत्सना को नोट डाउन कर लीजिए, और उसका होता है तद्भव जोन,
बाकी सृष्टि सेट होता है परख, परीक्षा का परख, ठीक ना। अखरोट, अखरोट का तत्सम रूप होगा, तो अखरोट आपको ऐसा ही दिखाई दे दिया क्या, तद्भव है, तभी तो तत्सम पूछ रहा था, इसका क्या होगा, अखरोट, ठीक। तो अब यहाँ पर ये देखिए कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका थोड़ा सा इसीलिए बोला है कि जहाँ पर जब वर्ड पूछ देगा और उसमें अक्षय वट, ठीक ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टफ है, एक बहुत टफ है, ये याद किया बिना नहीं होगा, अछोट होता है, ठीक, अछोट। तो इसको नोट डाउन कीजिए, अखरोट का अछोट परीक्षा में फिर पूछेगा तो गलती नहीं होना चाहिए। अछोट, अखरोट तद्भव है इसका, अछोट होता है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। तो देखिए तत्सम तद्भव जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में आपको पूछना पड़ेगा, तत्सम लिखा है उसके बाद तद्भव लिखा है, सही युग्म बताना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर सीधे आप देखिए, ठीक, आप ये देखिए कि किसमें क्या है, ठीक। अब तत्सम शब्द पहले तो खोजिए, तत्सम शब्द शुद्ध संस्कृत होना चाहिए, दूसरा उसमें आपको संयुक्त वर्ण आना चाहिए, उसमें आपको बड़ा सा खटखुन्ना सा जो भी ट्रिक बताया हूँ वो सब आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है, आद्रक, इसमें संयुक्त, इसमें तो द्र, द्र में आधा र है, लेकिन इससे बेस्ट कौन सा है, देखिए इसमें संयुक्त वर्ण है, इसमें संयुक्त वर्ण है, बाकी दोनों में नहीं है तो कहानी खत्म, ठीक। अब संयुक्त वर्ण दोनों में है तो दोनों में आप सोचने की बात है, 50-50 तो कर लिए ना। इच का ईख होता है, इच का ईख नहीं होता है, इच्छु का ईख होता है, ठीक ना। अक्षय वाट अखाड़ा, अक्षय वाट को अक्षय वाट को अखाड़ा बोला जाता है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। और ये नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल भी है, ठीक ना। तो यहाँ पर सही क्रम यही है तत्सम तत्व का। अन्य विकल्प के लिए मधुक का महुआ, महुआ महुआ जो है मधुक का होता है, अदरक का आर्द्रक होता है, आर्द्रक आर्द्र आर्द्र, ठीक ना, अदरक का आर्द्र होता है, आर्द्र। देखिए अदरक जब भी लिखा तो आर्द्र, आर्द्र माने नमी होती है, तो आर्द्र आपको याद रहेगा, अदरक में हमेशा नमी होती है, ठीक ना, आर्द्र। फिर उसके बाद कहो आर्द्रक, ठीक, अदरक, अदरक का जब भी होगा तो आर्द्रक, ठीक। तो इतना आपको यहाँ पर ऊपर वाला निशानी आसमानी रंग भूल गया था, महुआ का मधुक होता है, मधुक, ठीक। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर, जो महुआ का मधुक होता है, इच्छु का ईख होता है, ईख जो हम गन्ना चूसते हैं, ठीक, वो वाला की बात कर रहा है। नेक्स्ट इसमें भी ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, इसमें भी बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यहाँ पर त्रष्टम तत्सम की दृष्टि से, ठीक। दीक्षा परीक्षा, ठीक ना, दीक्षा में क्या होती है, दीक्षा में दिया जाता है, परीक्षा में लिया जाता है, ठीक है, तो दोनों का तत्सम तत्सम है। कपूत सपूत देख रहे हैं, ये दोनों का है, दोनों तद्भव है, ठीक। यहाँ पर सपूत का क्या होगा आप जानते हैं, लास्ट में पुत्र, पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, अभी पीछे हम पढ़े हैं कि पुत्र होना चाहिए, यहाँ पर भी पुत्र लिखा है तो यहाँ पर भी पुत्र होना चाहिए, तब जाके तत्सम होगा, ठीक। यहाँ पर बड़ा सा है शुकर, यहाँ पर आसमानी रह, तो दोनों का है तत्सम तत्सम। वरिष्ठ, यहाँ पर फिर खटखुन्ना स है, यहाँ पर फिर खटखुन्ना स है, दोनों तत्सम तत्सम, तो दोनों तत्सम तत्सम है, यहाँ पर भी तत्सम तत्सम है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी है, अगर नहीं भी मालूम है तो आप कर सकते हैं, ठीक, अच्छा है, आसान है, कुपुत का सुपुत, ठीक ना। अब इसका एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट इसमें से बताना है क्या, इसमें तत्सम और तद्भव का युग्म जो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं बताना है, अशुद्ध बताना है, ठीक ना, तो अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध देखेंगे, पहले तत्सम देखेंगे फिर उसका तद्भव देखेंगे। तत्सम देखिए, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, यहाँ पर ये तत्सम नहीं है, ये भी तत्सम है। और इच्छिका, इच्छिका में छ लिखा गया है, ये नहीं होना चाहिए, जब भी आप इच्छा करते हैं इच्छा, तो ऐसे लिखा जाता है, इच्छा इच्छा ऐसे लिखा नहीं जाता, इच्छा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों में देखेंगे तो 100% ये तत्सम है। क्यों तत्सम है, कि देखिए यहाँ पर आधा व यूज किया गया, उड़ता हुआ र लगाया गया, ठीक। यहाँ पर गोमय,
गोमय गोबर का होता है, ठीक ना। ईख, ये गलत इसलिए है कि यहाँ पर ईख जो है इच्छ होगा, ठीक। ये आपका दोनों ए और बी दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला छाछ जो है तद्भव शब्द है, जिस शब्द का तत्सम होता है छच्छिका, का होता है छच्छिका, तो ये नोट डाउन करिए, छाछ का छच्छिका। ईख तद्भव शब्द है जिसका होता है इच्छु है, पिछले सब पिछले क्वेश्चन में रिपीट था ये, इसीलिए बोला था यहाँ पर छ इच्छु होगा। बाकी विकल्प ए सी डी में पहले तत्सम शब्द रखे गए हैं, ठीक, पहले तत्सम शब्द, जबकि बी में पहले तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार ए बी दोनों युग्म तत्सम तद्भव दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है ना, इसलिए अशुद्ध है। तो आपको युग्म देखना है, बस वही देखना है जिस क्रम में वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कर, तो ये 28 नंबर का, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा गलत है, गलत बताना है, ठीक। तो पहले तद्भव लिखेगा, पहले तत्सम लिखेगा, उसके बाद तद्भव। तो चलिए पहले तद्भव खोजते हैं, अगर तद्भव सही सही चीज़ में मिल गया तो हमको गलत उसका हम खोजना भी है, ठीक। तो पहले तो तद्भव देख लें। आर्द्रक, आर्द्रक, आर्द्रक किसका है, तो आपको मिलता है आर्द्रक माने अदरक, ठीक। तो आपका पहला ही मिल गया, गीला नहीं होना चाहिए, आर्द्र माने गीला होता है, आर्द्र आर्द्र माने गीला होता है, ठीक। पहला मिल गया, तो पहला ही जो हमको गलत मिल गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उद्गल, यहाँ पर वो है आधा द है, मतलब कि हमारा तत्सम है। आदित्यवार, यहाँ पर आधा त है, ठीक ना, आदित्यवार, ये भी हमारा तत्सम है। उद्घाटन, ये हमारा तत्सम है, ठीक। और आदित्यवार को इतवार बोला गया, इतवार जो है तद्भव है, तद्भव है तत्सम या तद्भव। उघाड़ना, ठीक, अभी उघाड़ना, उद्घाटन का उघाड़ना नहीं होता, किस चीज़ का वो करना, क्या बोलते हैं उद्घाटन, नहीं कहते उद्घाटन आ जाए समारोह, ठीक। तो यहाँ पर देखें, इसका हमको भी नहीं मालूम है, ठीक ना, देखते हैं दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो उद्घाटन का उगाड़ना नोट करने लायक भी है। आर्द्रक, आर्द्रक क्या है, तत्सम शब्द है जिसका अदरक होता है, आर्द्रक का अदरक होता है। इसका युग्म, बाकी ए युग्म गलत है इसलिए गलत है, बाकी शेष सही है, तो ठीक है। उद्गलन, उगलना, उद्घाटन का उगाड़ना, और इतवार आदित्यवार का इतवार, ठीक, ये सही है, ठीक। चलिए ये आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक। अगली बार मिलेंगे तो फिर अब आगे का कार्यक्रम करेंगे, 28 तक हो गया, ठीक, 170 पेज तक, ठीक ना, 170 पेज के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली बार, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चिपक के पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक। धन्यवाद, जय।